हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल अनामिका और मैं हूँ आपके साथ अनामिका कौशिक। तो आपको बता दें कि आज एक नहीं बल्कि दो दो मूवी रिलीज हुई है, जिसमें फर्स्ट वन है हनुमान एंड सेकंड वन है मैरी क्रिसमस। तो आपको बता दें कि विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की मच अवेटेड फिल्म मैरी क्रिसमस फाइनली आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि उनको फिल्म कैसी लगी। मूवी बहुत स्लो थी, लेकिन लास्ट में जो ट्विस्ट आता है ऐसा लगता है कि बाकी की बोरिंग मूवी बर्दाश्त की जा सकती है एंड से। ठीक ही थी, मतलब अगर एक मूवी की तरह देखा जाए तो उसके हिसाब से ठीक। फर्स्ट हाफ बहुत स्लो पेस था, सेकंड हाफ इन्होंने ज़्यादा अच्छा कर दिया, फर्स्ट हाफ इन्होंने ज़्यादा लो कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया मूवी का। तो मैं से फोर स्टार बस देखी, मतलब अच्छी लगी मेरे को मूवी, जो मतलब मूवी का जैनर था सस्पेंस से भरी थी मूवी। मतलब जो फर्स्ट हाफ था उसमें मतलब थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा था। ठीक है मूवी, वन टाइम वॉच है मूवी, अच्छा है। मेरी क्रिसमस के बहुत दिन बाद हमारा मेरी क्रिसमस हो रहा है। फिल्म अच्छी है मैम, वंडरफुल। मेरी क्रिसमस अच्छी है, बहुत अच्छा है। मूवी में सस्पेंस है, लेकिन मूवी में पहले इंटरवल से पहले थोड़ी सी बोरिंग है, उसके बाद इंटरवल आएगा, इंटरवल के बाद बहुत अच्छी मूवी। इट्स अ वेरी नाइस मूवी, लेकिन अंधाधुन की वजह से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, उसे एक नॉच कमी है, लेकिन अच्छी मूवी है। मूवी इज वेरी गुड। कैटरीना कैफ पहली बार ऐसी थ्रिलर मूवी कर रही है और उस हिसाब से उनका एक्शन तो इसमें था ही नहीं, खैर बिल्कुल एक्शन लेस थी, लेकिन इमोशन बहुत था और सस्पेंस और मिस्ट्री जो था वो लास्ट तक थ्री के हिसाब से ठीक। काफ़ी बढ़िया थी, साउथ के वो सुपरस्टार हैं और कैटरीना कैफ को तो सभी जान ही रहा है, तो उन दोनों के हिसाब से बहुत अच्छी थी मूवी। उन दोनों याद रहने वाला तो वही कि जो लास्ट में ही विजय सर का दिखाया गया कि वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेते हैं, जो सस्पेंस है इस मूवी का, स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं, जो सस्पेंस है वो काफ़ी ठीक है। 3.5। एक्टिंग इज टॉप नॉच, द सिनेमाटोग्राफी और द डायरेक्शन थी वो टॉप नॉच थी, तो मैं बस इसलिए से 3.5 है, मैं 3.7 देना चाहता हूँ एक्चुअली, पर लेकिन सब चीज़ होना ज़रूरी है मूवी के अंदर एक अच्छी मूवी बनने के लिए। एक्चुअली द साउंड म्यूजिक इज आई थिंक इट्स बेटर, क्योंकि हर चीज़ उसमें साउंड की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जिसमें कि जैसे कि साउंड का इफेक्ट बहुत अच्छा था। मैं बस ये तो नहीं कहूँगा। केमिस्ट्री ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी, बट ठीक है, जैसे रोल है मतलब एक मतलब थोड़ा फॉर्मल सा रोल निभा रहे हैं विजय सेतुपति उसमें, और मतलब और जो कैटरीना कैफ है वो थोड़ा फंकी और थोड़ा सस्पेंस टाइप, तो अच्छी थी। 3/5 ज़्यादा अच्छी है वैसे देखा जाए तो स्टोरी के। हनुमान नहीं, बहुत अच्छी है, इनका भी रोल मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी है। 3.5। मैं ये बोलूँगी कि वन टाइम वॉच है, काफ़ी स्लो है मूवी, इसलिए थोड़ा पेशेंस चाहिए मूवी को देखने के लिए और समझने के लिए, और स्टोरी लाइन अच्छा है और विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ ने पहली बार स्क्रीन शेयर किया है, दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगी। रेटिंग की बात करूँ तो मैं 3 स्टार देना चाहूँगी आउट ऑफ 5। तो फर्स्ट हाफ में ये मत सोच के उठिएगा सीट पे से कि ये क्या दिख रहा है, मतलब ये तो बड़ा नॉर्मल सा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेन कहानी जो है वो सेकंड हाफ में शुरू होती है, सेकंड हाफ में ही, और एंड क्लाइमेक्स जो है वहाँ पे सारा भांडा फूटता क्या है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी लगी यार, बहुत अतरंगी सी जोड़ी लगी, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है नॉर्थ साउथ का, वो काफ़ी अच्छा है। मैम दोनों ही अलग अलग जॉनरा की फिल्म हैं, और जिन मेरे को वैसे लगता है कि क्योंकि विजय सेतुपति का नाम बहुत बड़ा है और विजय सेतुपति तमिल के सुपरस्टार भी हैं, तो शायद ये फिल्म ज़्यादा अच्छा कर जाएगी। हनुमान का कंटेंट बहुत अच्छा है और मेरे को लगता है जिनको सुपर हीरो वगैरह फिल्मों की पसंद आती है वो उसमें जाएंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा कर जाएगी। मैं इस फिल्म को 5/4 देना चाहूँगा। तो क्योंकि काम तो जैसा वो हर मूवी में करती है, उनकी वैसी एक्टिंग थी, लेकिन विजय सेतुपति ने स्पेशली सरप्राइज कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने काम दिखाया ना पर्दे पे वो पैसा वसूल करा देता है, काफ़ी ज़्यादा दमदार था। सॉन्ग ओके थे। 3.5 अच्छी है, बहुत अच्छा है। मूवी में सस्पेंस है, लेकिन मूवी में पहले इंटरवल से पहले थोड़ी सी बोरिंग है, उसके बाद इंटरवल आएगा, इंटरवल के बाद बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी एक्टिंग लगी, और विजय वो इसे तो है ही, पहले हिट जाएगी तो नेक्स्ट तो आई आएगी, देखने को वैली मिलेगी ऐसे। अच्छा उसका पार्ट वही था, सस्पेंस ही था जो इंटरवल के बाद आए थे।
सॉन्ग अच्छे हैं, दोनों सॉन्ग अच्छे हैं, बहुत मज़ा आया सॉन्ग। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, उसे एक नॉच कमी है लेकिन अच्छी मूवी है। हो गया होगा एडिट में थोड़ा लेट हो गया होगा आई एम श्योर, इसलिए बट ठीक है, वी कैन गिव इट टू देम, इट्स वर्थ द वॉच। क्रिसमस वुड डू बेटर, मतलब मैंने ये देखी और मुझे बहुत मज़े आए। मैंने हनुमान देखी नहीं है तो मैं बोल नहीं सकती, बट मेरी क्रिसमस इज अ ग्रेट बॉलीवुड कॉलीवुड का ऐसे कोलैब है तो इट्स नाइस। 3.5 ऑल द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, कैटरीना, विजय सेतुपति, श्रीराम राघवन, द किड जो बच्ची है, बिकॉज दिस मूवी सेट अराउंड दैट, इट्स अ 24 आवर्स मूवी जो कि एक दिन के अंदर क्या घटना घटित हुई है वो बनाई है। And the audience has to be very careful in watching the movie. आप पॉपकॉर्न खाइए और देखिए, but you have to be glued to the movie. And विनय पाठक उनका रोल अच्छा है as a police officer, अच्छी है। ये शायद 90s के आसपास के सेट करा है इन्होंने, जो आप देखते हैं राजेश खन्ना का वो निकाल रहे हैं, जब हम लोग kids थे 70s 80s में तो ये सब होता था, तो आई थिंक दिस इज एक्चुअल, इट इज़ नॉट फार फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी में मेरे पास अभी आज भी वो रिकॉर्ड है, प्लेयर है, उस रिकॉर्ड्स हैं, तो ये मूवी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई है, थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है, बट इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट रिलेशनशिप, एंड द मैन इज ऑल्सो लुकिंग, द वुमन इज ऑल्सो लुकिंग, एंड बट इट्स गुड। पब्लिक ओपिनियन, तो क्या आपने फिल्म देखी है? तो जाने से पहले मुझे कमेंट में बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑफिशियल।